सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, मैं हूँ अवनी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफी सारे लोगों ने कहा है कि मैं एक्ने को ध्यान में रखते हुए कोई वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मॉइस्चराइजर जो कि आप अपने एक्ने को दूर करने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 3-in-1 है। 3-in-1 मतलब एक तो ये आपके एक्ने को दूर करेगा, साथ ही और एक्ने होने नहीं देगा और एक्ने के जो निशान है उनको दूर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और आप इस फैमिली का बहुत ही प्यारा सा एक हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपकी स्किन का टाइप कुछ भी हो, चाहे ड्राई, ऑयली या फिर एक्ने प्रोन, आपको मॉइस्चराइजर यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ड्राई स्किन है तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसको मेंटेन रखने के लिए हमें एक्सटर्नली मॉइस्चराइजर का यूज करना पड़ता है। और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी मॉइस्चराइजर का उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना बाकी स्किन के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये मॉइस्चराइजर बताने वाली हूँ जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्पेशली मैंने बनाया है, जो कि आपकी स्किन से एक्ने को दूर करने में मदद करेगा, आपके जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करके रखेगा, साथ ही जो ऑयल का प्रोटेक्शन आपकी स्किन करती रहती है उसको मेंटेन करेगा, बैक्टीरिया जो इकट्ठा होता है उसे इसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती रहती है तो उसको भी रिड्यूस करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस छोटे से मॉइस्चराइजर में जो कि आप अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। देख लेते हैं किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए। तो हमें चाहिए यहाँ पे नीम पाउडर, और ध्यान रखें नीम पाउडर हमें अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 20 मिनट के बाद हमें एक अलग से बाउल लेना है, उसमें एक कॉटन की कपड़े की मदद से हम इसको छान लेंगे ताकि ये जो नीम पाउडर का जो वाटर हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। नीम पाउडर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक्ने के लिए दोस्तों, स्पेशली बैक्टीरियाज को दूर करता है और एक्ने को अंदर से ही ड्राई कर देता है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा जो नीम वाटर है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए एक बेस क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। इसे हम एक कंटेनर में ले लेंगे, उसके बाद हमें ये जो वाटर है हमने बनाया है नीम का वो इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद हमें ऐड करना है विटामिन ई ऑयल, तो आपके पास ऑयल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैप्सूल हैं तो आप इसका एक कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें टी ट्री ऑयल, और ये ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक्ने को दूर करने के लिए। इसके बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो मॉइस्चराइजर है वो बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब इसको मैं बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपको टोनर अप्लाई करना है। टोनर लगाने के तुरंत बाद ही आपको ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक टोनर बताऊँ जो कि स्पेशली एक्ने के लिए हो, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप ऊपर लिंक देख सकते हैं, साथ ही वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक दिखाई देगा। बहुत आसानी से आप उसे घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मॉइस्चराइजर है बनकर तैयार हो गया है। डेली आपको सुबह और शाम दोनों टाइम इसको यूज़ कीजिए। आप चाहे तो इसकी एक मोटी लेयर अप्लाई करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जो कि आपके एक्ने को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। आप इस मॉइस्चराइजर को स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में 15 से 20 दिनों के लिए, और अगर आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे केवल 10 दिनों तक ही स्टोर करके रखें। 10 दिनों के बाद आप इसको फिर से दोबारा बना लीजिए। दोस्तों, इसको यूज़ करने का सही तरीका है कि आप जब भी अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, यानी कि CTM जब भी आप फॉलो करते हैं, तो उसमें आप इस मॉइस्चराइजर को शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जो एक्ने हैं वो धीरे धीरे सही होने शुरू हो जाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो, होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कहीं पर भी आप इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से दूसरे लोगों तक वीडियो पहुंचती है, उनको फायदा मिलता है, और साथ ही शेयर करने से मुझे भी फायदा मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एक्ने को ध्यान में रखते हुए मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं, यहाँ पर उनके लिंक मैंने दिए हैं, आप उन पर क्लिक कर सकते हैं और आप उन वीडियो पर पहुँच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।